नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। अगर हम 1 करोड़ रुपए लगाए और 1.5 करोड़ रुपए बिना किसी प्रॉब्लम के और पूरे नियम कानून को पालन करते हुए कमा पाए तो फिर ये बिजनेस मैं बताने वाला हूँ। इस बिजनेस के बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट लास्ट अपने वीडियो में दिया था, निधि कंपनी के बारे में बताकर। आज मैं निधि कंपनी के कंप्लीट रूल्स बताने जा रहा हूं। आखिरी तक सुनिएगा, 100% समझ में आएगा। बिजनेस आसान है और लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके बता रहा हूं, अब रूल्स में हूं। पिछले बार ओवरव्यू दिया था, अब रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार निधि कंपनी को होता है। पहला प्रश्न इसमें कि सेविंग बैंक अकाउंट किसका खोला जा सकता है। जो भी व्यक्ति निधि कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर होगा उनका ही सेविंग अकाउंट यहां पर ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। तो फिर जो भी मेंबर होगा उसको पहले शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, तब वो जाकर कंपनी का मेंबर बनता है, और कंपनी का मेंबर बनने के बाद ही वो कंपनी के साथ ऑपरेट कर सकता है, कंपनी में अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक का सेविंग अकाउंट के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है उससे 2% ज्यादा तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इस निधि कंपनी के जरिए। तो पहला मैंने बोला सेविंग अकाउंट में 2% एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो, लोगों का भला होगा, पहला चीज। दूसरा, करंट अकाउंट जो कि मेसी वर्क है, बहुत सारे उसमें दिक्कतें होती हैं और बैंक का एक विशेष अधिकार है करंट अकाउंट में, इसीलिए निधि कंपनी को ये अलाउड नहीं है। मैं आपको बता दूं, करंट अकाउंट अलाउ नहीं करना हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। अगर जबरदस्ती होती तो फंस जाते, छोटे लोगों का करंट अकाउंट मैनेज करना आसान नहीं है। तो बैंकिंग की तरफ ये दूसरा कदम, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, बहुत अच्छी बात। तीसरा चीज, एक और मदद करने वाले हम लोगों की, हम लोग डिपॉजिट्स ले सकते हैं। एक बार फिर से, हम लोग डिपॉजिट्स ले सकते हैं, FD ले सकते हैं, RD ले सकते हैं, MIS ले सकते हैं, ये सारी चीजें ले सकते हैं, मस्त है। अब इसमें कितना इंटरेस्ट रेट हम लोग पे कर सकते हैं, देखिए बैंक से कम्पीट करना आसान नहीं है, लेकिन ये नियम बना के हमारे लिए दिया गया ताकि हम लोग आसानी से कम्पीट कर पाए, वो ये कि जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स RBI का है उसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड है डिपॉजिट के ऊपर, वो निधि कंपनी के ऊपर भी अलाउ होता है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, निधि कंपनी भी एक NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि बैंकिंग के जैसा काम करती है। मैं फिर से बोलूं, जैसा, बैंक नहीं, याद रखना, बैंक नहीं। तो अभी जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स है 12.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप भी 12.5% प्रोवाइड कर सकते हो। RBI रेट नीचे करेगी तो आपका भी मैक्सिमम रेट उसी के अंदर में आएगा। हमको RBI के सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो कि किसी भी NBFC को फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से, FD पे RBI ने जो मैक्सिमम रेट बोला है उससे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा फिगर है। मैं आपको बता दूं, आजकल FD का रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 7%, 7.5%, 8%, बहुत ज्यादा हुआ तो 8.25%, लेकिन 8.25% मुझे दिखाई नहीं देता कहीं पे, तो 8% के अंदर सिमट जाता है। अगर आप 10%, 11%, 10.5%, 11.5% तक भी चले जाते हैं, खींच लेंगे आप पब्लिक को, तो बहुत आसानी होगी डिपॉजिट्स में। तो एक बार, पहला मदद क्या हुआ, सेविंग अकाउंट 2% एक्स्ट्रा, दूसरा करेंट अकाउंट खोल नहीं सकते, तीसरा डिपॉजिट्स पे आप RBI के मैक्सिमम रेट तक के जा सकते हैं। ये हो गया पब्लिक का डिपॉजिट लेने के बारे में, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है वो ये है कि कितना डिपॉजिट हम पब्लिक से ले सकते हैं, उसका लिमिट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा अंश पूंजी, शेयर कैपिटल जितने अमाउंट का है, सपोज हमारा शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है, तो हम उसका 20 टाइम्स मतलब 20 करोड़ रुपए का डिपॉजिट पब्लिक से लेने का अधिकार रखते हैं। 20 करोड़ का डिपॉजिट लेने का अधिकार रखते हैं, मतलब जितने की अंश पूंजी उसका 20 टाइम्स हम लोग पब्लिक से लेने का पूरा अधिकार रखते हैं। अब ये जो डिपॉजिट है जो पब्लिक से आपने लिया है, उसका 10% हमको नेशनलाइज्ड बैंक में एज ए FD रखना पड़ता है, सिक्योरिटी टाइप का फंडा है,
लेकिन आप ये समझिए कि सपोज करिए हमारा कैपिटल 1 करोड़ 20 करोड़ हमने लिया, 2 करोड़ हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा, बैंक में एज ए FD रखना पड़ेगा। FD का भी आसान तरीका है, स्वीपिंग FD रखिए ताकि कभी भी मूव कर पाए, बढ़ा सके, कमा सके, राइट। तो वो 10% वहां चला गया। अब 20 करोड़ में 10% मतलब 2 करोड़ चला गया FD में, 18 करोड़ आपके पास है, प्लस 1 करोड़ आपके खुद के हैं, 18 करोड़ पब्लिक का हाथ में, 1 करोड़ खुद के हैं, ये 19 करोड़ को आप लोन में बांट सकते हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया 20 गुना, वो जो पैसा लिया उसमें 10% हमने बैंक में रख दिया FD में, अब बाकी 90% प्लस हमारी पूंजी मिलाकर हम लोन में बांट सकते हैं। लोन में घुसने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि लोन पे जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो कितना होना चाहिए, वो एकदम क्लियर है। निधि रूल्स 2014 में लिखा हुआ है, निधि रूल्स में लिखा हुआ है कि जो आपका अधिकतम इंटरेस्ट रेट आप पे करते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर, उस पे 7.5% और जोड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 12.5% RBI का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है जो कि हम डिपॉजिट्स पे करते हैं, तो उस पे 7.5% अगर हम ऐड करें तो वो 20% हमारा लिमिट हो जाता है। लेकिन अगर हमने अधिकतम 11% रखा है तो वो 11% में 7.5 जोड़ेंगे। तो हमको अपना अधिकतम देखना होगा कि हम मैक्सिमम कितना देते हैं जो कि RBI के लिमिट के अंदर हो, प्लस 7.5% हमारा मैक्सिमम वो अमाउंट है जो कि हम लोग एज ए लोन के इंटरेस्ट में पब्लिक से चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग लोन पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं, 7.5% एडिशनल प्रॉफिट कमा सकते हैं जो कि हम दे रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात देखिएगा कि हम लोन कैसे कैसे दे सकते हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया, अब उसको लोन बांटने वाले हैं, 7.5% हम लोग कमाना चाहते हैं, अब उस पे कितना और कौन कौन से लोन दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग गोल्ड लोन दे सकते हैं, कोई भी गोल्ड लोन प्रोवाइडर के जैसे हम लोग गोल्ड लोन दे सकते हैं। गोल्ड लोन में भी 200% सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। अगर आपका 4 लाख का गोल्ड है तो 2 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। तो इस तरीके से जितने का गोल्ड होगा वैल्यूएशन आएगी उसका 50% तक हम लोग लोन दे पाएंगे, वो भी हमारा लोन का पेएबल लिमिट के अंदर आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला गोल्ड लोन दे सकते हैं जिसमें 50% ही दे सकते हैं वैल्यूएशन का। दूसरा मॉर्गेज लोन दे सकते हैं, जो भी मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी है RBI रूल्स के अनुसार उसमें भी हम लोग 50% दे सकते हैं जो भी वैल्यूएशन है उसके अंदर का। उसके अलावा अगर किसी ने हमारे पास ही डिपॉजिट रखा है, उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेना चाहता है लोन, तो हम लोग वो लोन बिल्कुल दे सकते हैं, जो कि 90% तक भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो ये लोन प्रोवाइड करने वाली बात आ गई। अब मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कितना लोन निधि कंपनी प्रोवाइड कर सकती है मैक्सिमम किसी व्यक्ति को। अब ये जो लोन प्रोवाइड करना है उसके लिए एक व्यक्ति को दिए जाने वाले लोन का लिमिट है क्या, अगर कंपनी का डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए के अंदर है तो हम लोग किसी भी एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते। एक बार फिर से, 2 लाख रुपए तक हम लोग किसी भी व्यक्ति को तब लोन दे पाएंगे जब हमारा डिपॉजिट का लिमिट 2 करोड़ के अंदर है, राइट। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, अगर हमारा डिपॉजिट 20 करोड़ के अंदर है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में हमारा जो लोन देने का पावर आ जाता है वो 7.5 लाख आ जाता है। मींस अगर 20 करोड़ के अंदर में अगर हमारा डिपॉजिट है तो 7.5 लाख एक व्यक्ति को हम लोग लोन दे सकते हैं। अगर 20 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ के अंदर है तो 12 लाख एक व्यक्ति को दे सकते हैं, और अगर 50 करोड़ से ऊपर हमारा डिपॉजिट है तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए एक व्यक्ति को हम लोग लोन दे सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना बहुत जरूरी है कि निधि कंपनी हमेशा स्टेट के दायरे के अंदर काम करती है, स्टेट से बाहर कभी नहीं जाती। जैसे मणप्पुरम निधि है, केरल में सिचुएटेड है, केरल में 50 से ज्यादा ब्रांचेस हैं मणप्पुरम निधि की, लेकिन केरल से बाहर कभी नहीं जा सकती, तो स्टेट के अंदर रहता है कोई भी निधि। दूसरा चीज ये कि वो एडवर्टाइजमेंट अलग से नहीं कर सकता, उनको पर्सनल लेवल पे अपने एम्प्लॉई रख के एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं। तीसरा, एजेंट सिस्टम और कमीशन सिस्टम इसमें अलाउड नहीं है, तो आपके एम्प्लॉयज होंगे उन्हीं के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा और अपना काम फैलाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इतना आसान, इतना कंफर्टेबल बिजनेस करने का जो
प्रोसेस है, सिस्टम है, ये भारत में ही पॉसिबल है। लोग काफ़ी बुराई करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, लेकिन ये सिस्टम जो है ज़बरदस्त है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 3 साल तक आपको एक ब्रांच से ज़्यादा रखने का अधिकार नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। 3 साल अगर कंटिन्यू आपने प्रॉफिट किया तो 2 और ब्रांच खोल सकते हो, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट के दायरे में। लेकिन 3 साल के बाद अगर आपके प्रॉफिट्स 3 साल रहे हैं तो आपका पूरा एलिजिबिलिटी बन जाता है कि आप पूरे राज्य में कहीं पर भी अपने ब्रांचेस खोल सकते हो, लेकिन आपको परमिशंस लेने पड़ेंगे हर ब्रांच के लिए। मैं अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट की तरफ ले जाऊं, जो मैंने शुरू में बोला था 150% प्रॉफिट है, तो एक बार कैलकुलेशन देखते हैं, मजा आएगा। देखिए 20 करोड़ रुपए हमने लोन पे बांटा जिसपे 7.5% का प्रॉफिट आया। क्यों? 7.5% का डिफरेंस है ना। 7.5% का प्रॉफिट आया तो 1.5 करोड़ रुपए होता है। आपने 1 करोड़ लगाया और 1.5 करोड़ कमाया, एकदम सिंपल फंडा है। 150% का प्रॉफिट है यार। बोलते हैं ना किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान इसलिए आत्महत्या करता है दोस्तों कि उनको जरूरत का लोन मिलता नहीं है और साहूकारों से लोन लेते हैं, अपने गहने बेच देते हैं, 10-10, 20-20% देते हैं। आप निधि कंपनी खोलिए, खुद 150% प्रॉफिट कमाइए, लेकिन ऐसे लोगों को सुविधा तो प्रदान करिए। दोस्तों मैं दीपंकर समद्दार, मेरा मिशन है कि भारत में मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत के इंफॉर्मेशन और उनके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड सारी जानकारी दूँ। टैक्स, कॉरपोरेट, अकाउंट्स, लॉ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, दीपंकर समद्दार हमेशा तैयार है। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे कभी भी कॉल किया जा सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अलग अलग समय पर मुझे रिस्पॉन्स दिया, अलग अलग राज्य से मुझसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस किए, और मैंने कोशिश की कि मैं हमेशा तत्काल उनका निवारण करूं। आप लोगों का ये जो सहयोग है, ये मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।